हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दिवाली आ रही है, तो चलो दिया को कलर करते हैं और इसे ब्यूटीफुल बनाते हैं। कोई भी कलर करने से पहले बेस रेडी करना होता है, तो सबसे पहले मैं व्हाइट कलर से दिया का बेस रेडी करूंगी। बेस के लिए मैं अक्रैलिक व्हाइट गैसो यूज कर रही हूँ, जो प्राइमर की तरह काम करता है और काफी जल्दी ड्राई भी हो जाता है। एक दिया का बेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब मैं दूसरे दिया का बेस रेडी करती हूँ। जब तक मैं दूसरे दिया का बेस रेडी कर रही हूँ, तब तक आप लोग कमेंट में बता दो आप लोग का दिवाली का क्या प्लान है। ब्राइट कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये येलो कलर चूज किया। एंड दिया के मिडिल में जो फ्लावर बना है, उसे मैं येलो कलर से कलर करूंगी। जब तक मैं कलर कर रही हूँ, आप लोग बताओ आपके फेवरेट कलर कौन से हैं। दिया के अंदर के बचे हुए प्लेस को मैं रेड कलर से कलर करना चाहूंगी, क्योंकि रेड और येलो का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। तो जल्दी से मैं दिया का इनर साइड रेड कलर से पेंट कर लेती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ आगे कौन कौन से कलर मैं यूज करूंगी इस दिया को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यहाँ मैंने सोचा रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन एक अलग ही लुक देगा दिया को, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर चूज किया। दिया को यूनिक लुक देने के लिए मैंने गोल्डन कलर से आउटर लाइनिंग पेंट किया। दिया के आउटर साइड को मैंने ब्लू कलर से पेंट किया। एक अलग ही कॉम्बिनेशन आ रहा था येलो एंड ब्लू का एंड रेड एंड ग्रीन का। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये दिया। दिया के आउटर साइड को मैं रेड कलर से पेंट कर रही हूँ टू कंप्लीट द होल लुक। Thank you.
आपको कैसा लगा मेरा ये दिया आर्ट, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।